तो हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ गोविंद और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि भैया कोई भी पाइप है, चाहे गार्डन पाइप है, HDPE पाइप, PVC पाइप या फिर से आपका PPR पाइप या फिर से कोई लोहे का भी पाइप क्यों ना है, ठीक है, तो इस पाइप का, सभी पाइप का आप एक छोटे से फार्मूला से कैसे आप जान सकते हैं कि इन सभी पाइप का वजन क्या आता है। बिना आप वजन किए, बिना बैलेंस पे आप पाइप को रखे हुए, पाइप बनाने से पहले आप वजन कैसे जान जाएंगे कि कितना वजन आने वाला है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए हम एक PVC का पाइप भी ले लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए, हमको जो फार्मूला जो हमको जब डालना होता है, उस फार्मूले में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए कि हमको उसमें चाहिए आपका जो OD है, ठीक है, OD समझिए, OD हम इसको बोलते हैं, यह जो आउटर डाया है, OD का मतलब होता है आउटर डायामीटर। आउटर डायामीटर मतलब यह कितने का है, ठीक है। तो इसका अभी जो मैं मेरे हाथ में है, एक करंट में अभी यह 110 mm का है, ठीक है, यह 110 mm इसका OD है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा क्या चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, इसका थिकनेस, ठीक है, इसका जो थिकनेस है कितना मोटाई है, ठीक है। तो अभी जो हमारे हाथ में है इसका 2 mm की मोटाई है, ठीक है। अब तीसरा चीज़ कि इसका डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, इसका डेंसिटी 1.5 है, ठीक है, 1.5 है, ठीक है। तो सिंपल है कि अगर आप कोई पाइप बनाने जाएंगे तो पहले ही आपको आइडिया रहता है कि हमको कौन सा पाइप बनाना है, ठीक है, हमारा हमको कितने OD का पाइप बनाना है, हमको कितने थिकनेस का पाइप बनाना है, ठीक है। और हम अगर कौन जो मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उस मटेरियल का डेंसिटी ऑफिशियली सभी को पता होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर PVC का हम अगर डेंसिटी की बात करें तो इसका जो रेजिन का डेंसिटी होता है वो 1.46 1.48 इसी के अराउंड में आपका इसका रेजिन का होता है। पाइप बनने के बाद से थोड़ा सा कैल्शियम डाला जाता है तो इसका 1.5 के अराउंड में पहुंच जाता है इसका डेंसिटी, ठीक है। तो अब देखिए, इसका डेंसिटी भी पता चल गया आपको, इसका थिकनेस भी पता चल गया, इसका OD भी पता चल गया। ऐसे अगर कहीं आप रोड पे भी ऐसे पाइप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका थिकनेस भी आपको देखने से आइडिया मिल जाएगा, या स्केल लेके आप थोड़ा सा देख सकते हैं, या फिर से इसका OD तो उस पर लिखा भी रहता है कि इतना इसका OD है, पाइप पे लिखा भी जाता है कि कितना OD का है। तो आप आपको ये सब पता हो गया, और उसके बाद से ये पता है कि भैया ये PVC है। तो PVC का अगर आपको नहीं पता है कि क्या डेंसिटी होता है तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या PPR का, या फिर से आप HDPE का नहीं डेंसिटी पता गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर लोहे का भी अगर आपको नहीं पता है तो उसको भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उस पर आपको आइडिया मिल जाएगा। तो वही बस यह 3 चीज़ जरूरी होता है। अब फार्मूला क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है कि देखिए, यह सबसे पहले OD माइनस थिकनेस, ठीक है, यही होता है। OD में से थिकनेस को घटा दीजिए, ये अभी एग्जांपल भी हम दे देते हैं आपको, यह 110 mm का है, थिकनेस 2 mm है, तो 110 में से 2 घटा दीजिए, आपका 108 हो गया, और फिर से गुणा कर दीजिए थिकनेस में, ठीक है। तो 108 गुणा आप 2 से करेंगे तो जो भी आ रहा है, ठीक है, 216 अराउंड आएगा, 216 आ गया। और 216 में क्या कीजिए कि फिर से आप डेंसिटी का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो इसका जो डेंसिटी आपने जान ही लिया अभी कि 1.5 है, ठीक है, तो 1.5 से गुणा कर दीजिए। अब जो भी आ गया उससे 3.14 से गुणा कर दीजिए, 3.14 एक पाई का मान होता है, और ये जो आपका राउंड होता है इसी के लिए उसको डाला जाता है, ये राउंड है इसलिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे 3.14 से गुणा कर दीजिए, और अगेन फिर से आप जितना मीटर आपको पाइप निकालना है या आपको पाइप दिख रहा है उतने से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। और ये जितना आएगा जो ये सब ग्राम में आएगा, तो अगर KG में बदलना है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, ठीक है। मैं फार्मूला यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। इस फार्मूला को आप देख लीजिए, और यहाँ पे जो भी मतलब आपका पाइप, जो भी पाइप बना रहे हैं, उस पाइप का बस डेंसिटी आपको बस चेंज होता रहेगा, और पूरा फार्मूला सेम रहेगा, बस डेंसिटी आप बदलते रहिए, और सब कुछ ऐसे ही, मतलब जितना OD आया है आपके पाइप का, ये तो हमने 110 का एक एग्जांपल दे दिया, आप 25 का भी निकाल सकते हैं, 63 का भी निकाल सकते हैं, 125 का भी निकाल सकते हैं, कोई भी साइज का निकाल सकते हैं, और
कोई भी पाइप का, ठीक है, चाहे HDPE, चाहे PPR, चाहे आपका PVC या फिर से आप लोहे का भी, बस आपको डेंसिटी पता होना चाहिए और OD और थिकनेस, ठीक है। तो फिर से आप वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ भाई लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।